अच्छा है हम अनपढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि घर में कीर्तन कर ले रामचरितमानस का और हमें जो भाषा आती है वो बोल के जी ले, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे कोई भी भाषा हो। इट इज बेटर वी डोंट स्टडी एंड दैट इज व्हाई वी हैव सो मच ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट्स इन दिस कंट्री एट वन टाइम। टूडे ऑफकोर्स दैट नंबर इज डिक्रीजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दैट नंबर विच इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ लिटरेट्स आर लर्निंग all those languages which we are not supposed to. So my first point which I want to flag here today morning is that take a aaj pran kar lo aap ki kabhi bhi ulti bhasha ka koi bhi shabd aap prayog mein nahi layenge. Ab chuki ye shabd itne prachalan mein hai, okay, itne prachalan mein hai ki bahut kathin hota hai कि हिंदी का शब्द ढूंढना। आप एनसाइक्लोपीडिया में भी कोई हिंदी का शब्द ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि वो उर्दू का शब्द ही मिलेगा, आपको हिंदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि विकिपीडिया वगैरह ये सब छाए हुए हैं उन्हीं के उससे। और हम हिंदी वाले अंग्रेज हो गए तो हम विकिपीडिया फोकस करते हैं इंग्लिश में। तो मेरा ये निवेदन है कि उल्टी भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं करें, उसके स्थान पे यदि हिंदी का शब्द नहीं आ रहा तो इंग्लिश का प्रयोग कर लें, क्योंकि इंग्लिश भी सीधी भाषा है। फ्रेंच, इंग्लिश, पुर्तगीज और ये सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। ये ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैं पहली बार फ्रांस में गया और जब मैंने पहली बार फ्रेंच सीखी। When I started learning French, speaking French, then I realized French is nothing but a language which has come out from Latin, which is a younger sister of Sanskrit. French, Portuguese, Spanish, Italian, ये सारी भाषाएं लैटिन से निकली जो संस्कृत की छोटी सिस्टर है। और बाकी सब यूरोपियन लैंग्वेजेस भी, दे आर नॉट यूरोपियन लैंग्वेजेस, दे आर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेजेस, इवन इजरायली लैंग्वेज इज इंडो, इवन पर्शियन इज इंडो। सो ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस ग्लोब इज फ्रॉम इंडो ओरिजिन, फ्रॉम संस्कृत। So I think ये पॉइंट मैं फ्लैग करना चाहता था, बिगनिंग से आइडिया में नहीं था लेकिन जब ये हुआ तो मैंने क्या कर दिया। दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, उस बच्ची ने डांस किया सरस्वती वंदना पे। आई थिंक हमको ये एक कल्चर स्टार्ट करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिटिक्स को आप साइड में कर दीजिए, ओके, आप ये देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल पिलर है वो है भाषा और संस्कृति। संस्कृति और भाषा के ऊपर हम ध्यान दें। हम सब टीचर्स ये प्रण करें कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय हम बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपना ज्ञान, उनका ज्ञान, उनके चक्षु खोल रहे हैं, वो उनकी मातृभाषा में देने का प्रयास करें जितना हो सके। यदि आप भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी में एक्सप्लेन कर दीजिए, आप डजंट मैटर, बट उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए उस विषय को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे को यदि उसकी मातृभाषा में उसको सिखाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जब बच्ची ने यहां पे डांस किया सरस्वती वंदना पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना सुंदर डांस किया। जिसने भी बच्ची को सिखाया है, ऐसे टीचर्स को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंस्टीट्यूट में। उन्हीं की अध्यापिकाएं होंगी, हमारे स्कूल की होंगी या कॉलेज की होंगी, ऐसे टीचर्स को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे टीचर्स को जो संस्कार डाल रहे हैं बच्चों में वो ज्यादा रेस्पेक्टफुल हैं बजाय असंस्कारी अध्यापकों के, चाहे वो कितने ही श्रेष्ठ हो मेरे विचार से। क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को पोषना है, हमें वो सब काम करने हैं जिससे देश का नाम ऊंचा हो और जिसके कारण देश जाना जाता था। तक्षशिला, नालंदा, ये जो विश्वविद्यालय थे ये हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए। हमें भी डॉक्टर केएन मोदी फाउंडेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उस ओर ले जाना है। ये दूसरा पॉइंट मैं फ्लैग करना चाहता था। तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आई थिंक मैं चांसलर जी की परमिशन से आज फ्लैग करना चाहता हूं, वो है अबाउट अवर कैपेबिलिटी एज ए टीचर। आप एक अच्छे अध्यापक यदि बनना चाहते हैं और बनकर रहना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से वो ये है
कि टीचर टीचर लगे, अध्यापक अध्यापक लगे। अब देखिए, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का शुभ नाम है ऋषि, ऋषि सुनाक। भारतीय मूल के हैं। जब कहा जाता है ना भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय मूल की इतनी सारी परिभाषाएं हैं, पूरे डायमेंशन ही चेंज हो जाते हैं। मैंने पूरा पढ़ा कि ऋषि शब्द का क्या अर्थ है और सुनाक शब्द का क्या अर्थ है, तो मैं तो मेरे तो चक्षु खुल गए। ऋषि सौनक थे, सौनक, ओके, उनके नीचे एक ऋषि थे सुनाक, और ऋषियों के भी कितने ही ग्रेड थे, कितने 21 प्रकार के ऋषि होते थे। अब ये कोई हम लोग तो सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, तो हम समझते हैं कि भाई भारत तो पिछड़ा था, अंग्रेजों ने आके भारत को विकसित किया। हमें पता ही नहीं कि हमारे ऋषि मुनि पूर्वज थे और हम तो सबसे ऊपर थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे। आजकल रिसर्च हो रही है, कि विमान विमानन पद्धति जो शास्त्रों में वर्णित है कि किस प्रकार से विमानों से लोग ट्रेवल करते थे, रावण कुबेर का विमान लेकर लंका से आ जाता था और सीता माँ को का वो अपहरण कर गया, दैट काइंड ऑफ विमान हम लोगों ने माइथोलॉजी समझा, उसको अब वेस्ट में बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन यूएसए, आप इंटरनेट पे आप जाके देखिएगा कि क्या रिसर्च हो रही है। आज रिसर्च ये हो रही है कि वो विमान कैसे बनते थे, और अब वो दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑल दैट इज रिटन इन वेदास विमानों के। तो